हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई टेक एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आज हम आपके लेके आए हैं सुपर बेस्ट वायरलेस स्पीकर। दोस्तों ये एक FM ब्लूटूथ स्पीकर है। दोस्तों इसके साथ ये एक FM रेडियो स्पीकर है। दोस्तों इसमें FM भी है और इसके ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होता है। साथ में इसमें आप मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये वायरलेस स्पीकर है दोस्तों, और यहाँ पे आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और HD कॉलिंग और यहाँ पे म्यूज़िक प्ले, और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है दोस्तों। और ये एक बेस स्पीकर है दोस्तों, और इसके अंदर आप FM भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। चलो दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग एंड इसका रिव्यू साउंड टेस्टिंग आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमें इस तरीके का एक कागज़ के बॉक्स में हमारे स्पीकर में मिलता है, और यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे ओपन करना दोस्तों। और ओपन करने के बाद में हमें सबसे पहले ऊपर हमें देखने को मिलता है एक ऑक्स केबल, और साथ में हमें एक चार्जिंग केबल भी देखने को मिलती है दोस्तों। इस तरीके से हमारा स्पीकर इसके इस पन्नी के अंदर पैक आता है दोस्तों, और हमें इस तरीके से पन्नी से बाहर हमारे स्पीकर को निकाल देना है। ये प्यारा सा एक ब्लैक एंड ब्लू कलर में हमें यहाँ पे मिलता है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके का हमारा स्पीकर है दोस्तों। इसके यहाँ पे आप देख सकते हो FM के लिए यहाँ पे एक नेटवर्क, FM नेटवर्क भी लगा हुआ है यहाँ पे इस तरीके का। सबसे पहले यहाँ पे एक माइक, जो माइक्रो है कॉलिंग के लिए एक माइक दिया जाता है। यहाँ पे आप इसे कॉलिंग भी कर सकते हो दोस्तों। साथ में एक LED जो अपने चार्जिंग होगा तो इसमें LED ब्लिंक होगी, और यहाँ पे है ऑक्स केबल, और दोस्तों यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे पेन ड्राइव और USB केबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो साथ में हमें यहाँ पे चार्जिंग केबल भी मिल, चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे सर्किट दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से चार्जिंग किया जाता है यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे पेन ड्राइव यूज़ होती है, और यहाँ पे आप SD कार्ड यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे साथ में आप एक ऑक्स केबल भी यूज़ कर। जो ये ब्लूटूथ स्पीकर है इसको ऑन करके इसके अंदर साउंड प्ले करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ से ऑन करना है। तो हमारा स्पीकर एकदम कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, और इसके अंदर हम ब्लूटूथ इसके अंदर यूज़ करके देखते हैं, और इसके बाद में हम इसके अंदर FM यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए हमें हमारे मोबाइल से एक ब्लूटूथ ऑन करके इसको ब्लूटूथ कनेक्ट कराना होगा। तो हमारे स्पीकर का नाम यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है KDM-A10-1020। तो इसको हमें क्लिक करना है और यहाँ पर इसको कनेक्ट करवाना है। तो तो हमारा ब्लूटूथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है दोस्तों, और अब इसके अंदर हम सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाते हैं। NCS का सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे आप साउंड इसका अभी आप साउंड सुनिए दोस्तों, और इसका बेस आपको बताइए, बेस आपको कैसा लगा इसका, तो सुनो सुनिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है इसका बेस स्पीकर, और यहाँ पे है वॉल्यूम स्पीकर दोस्तों। आप इसका पहले वॉल्यूम सुनिए, और उसके बाद में आप इसका बेस सुनिए दोस्तों। क्या बेस है इसका दोस्तों, बहुत अच्छा इसके अंदर बेस सुनने को मिलता है दोस्तों, और इसका वॉल्यूम भी बहुत ही तेज है दोस्तों, और इसका ऐसा लगता है जैसे कोई DJ बेस जैसा सॉन्ग स्पीकर हमें सामने बज रहा है। तो इसका सॉन्ग सुनिए दोस्तों, इसका साउंड क्वालिटी देखिए दोस्तों। इसका ब्लूटूथ सॉन्ग स्पीकर का साउंड टेस्टिंग तो हो चुका है दोस्तों। अब इसके अंदर हम FM यूज करके देखते हैं। तरीके से इस M वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और ये डायरेक्ट सीधा ही FM मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों ये FM चल रहा है दोस्तों, अभी आप सुनिए। इसके अंदर FM चल रहा है दोस्तों, तो इसके FM आवाज इतना अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा इसका FM के अंदर वॉल्यूम हमें सुनने को मिलता है दोस्तों। तो सुनिए दोस्तों इसका FM में सॉन्ग, एक सॉन्ग यूज करके देखते हैं FM। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।